छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, प्रदेश के कई स्थानों में होगी बारिश। दक्षिण से पूर्व नमी युक्त हवा चलने के चलते बदलेगा मौसम। पिछले दो दिनों से प्रदेश में मौसम का आंख मिचोली जारी है, कभी तेज धूप तो कभी बादल और ठंडी हवा चल रही है। कई जगह हल्की बूंदाबांदी भी हुई, ऐसा बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी युक्त हवा चलने के चलते हो रहा है। विभाग के मुताबिक 16 मार्च गुरुवार को प्रदेश के कई स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी वातावरण में चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण के रूप में पूर्वी ईरान के ऊपर स्थित है। इसके प्रभाव से एक प्रेरित चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण मध्य राजस्थान और उससे लगे क्षेत्र के ऊपर बन रही है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व से नमी युक्त हवा का आगमन बंगाल की खाड़ी से लगातार हो रहा है। इसके चलते मध्य स्तर पर पश्चिमी द्रोणिका का प्रभाव 16 से 20 मार्च तक रहने की संभावना है। इसके चलते प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक प्रदेश के कई स्थानों में 16 मार्च को हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होगी, कई जगह गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। अगर तेज नमी युक्त हवाएं चली तो प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और ओलावृष्टि की भी संभावना बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 मार्च बुधवार को प्रदेश में गर्मी का स्तर काफी अधिक रहा। सबसे अधिक गर्म जिले की बात करें तो वो रायगढ़ रहा, यहाँ का अधिकतम तापमान सबसे अधिक 37.6 सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। वहीं इसके बाद दूसरे नंबर पर रायपुर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके बाद बिलासपुर और दुर्ग का तापमान रहा।